हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक हमारा फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और वो हमारा है गोइंग टू। देखते हैं गोइंग टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, जब कोई काम होने वाला होता है, उसको होने में थोड़ा टाइम है या हमारा कोई फ्यूचर प्लान है, तब हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमारा है फ्यूचर इंटेंशन के लिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमारे साथ जो बी वर्ब हैं इज आर एम वाज वर टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, फिर आएगा गोइंग टू, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि हम इस साल अपनी छुट्टी बिताने कश्मीर जा रहे हैं, यानी हम इस साल अपनी छुट्टी बिताने कश्मीर जा रहे हैं, तो इसका होगा वी आर गोइंग टू कश्मीर टू स्पेंड आवर होलीडेज दिस ईयर, एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर होलीडेज दिस ईयर इन कश्मीर। अब नेक्स्ट हमारा, मैं कल बाइक खरीदने जा रहा हूँ, ये भी हमारा फ्यूचर इंटेंशन है। तो आई एम गोइंग टू बाई अ बाइक टुमारो, मैं उसे मैसेज का जवाब देने जा रहा हूँ, मैं उसके मैसेज का जवाब देने जा रहा हूँ। तो आई एम going to reply her message, I am going to reply her message। हम इस बगीचे में सेब के कुछ पेड़ लगाने जा रहे हैं, तो we are going to plant some apple trees in this garden। क्या तुम फ्रेंच सीखने जा रहे हो? तो अब इंट्रोगेटिव में हमारी बी वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। तो are you going to learn French? तुम ताज देखने कब जा रहे हो? तो when are you going to see the Taj? When are you going to see the Taj? मैं नहाने जा रहा हूँ, I am going to bath। तुम परीक्षा देने कहाँ जा रहे हो? तो क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड आया कहाँ, इसमें वो पहले आएगा। तो where are you going to take the examination? यानी वेयर आर यू गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। कविता अगले महीने राम से शादी करने जा रही है, ये भी हमारा फ्यूचर इंटेंशन है। तो कविता इज़ गोइंग टू मैरी विद राम नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट देखिए, जब हमारी कोई संभावना होती है तब भी हम इसका गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सावधान, बर्फ़ टूटने जा रही है, तो सावधान की पहले वी केयरफुल, द आइस इज गोइंग टू क्रैक, यह कमी कब तक चलती रहेगी, यह कमी कब तक चलती रहेगी। तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस शॉर्टेज गोइंग टू कंटिन्यू, तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस शॉर्टेज गोइंग टू कंटिन्यू। काले बादलों को देखो, वर्षा होने जा रही है, लुक एट द ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन। ओके, अपने साथ छाता ले लो, शाम से पहले वर्षा होने जा रही है। हेड वेटर टेक अम्ब्रेला, इट इज़ गोइंग टू रेन बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर टाइम को बताते हैं, यानी अगले महीने उसके बच्चा होने जा रहा है, तो इसका हो जाएगा सी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ। मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। मैं कल एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो। दो, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। तुम टीवी खरीदने कब जा रहे हो? तो वेन आर यू गोइंग टू बाई टी वी, वेन आर यू गोइंग टू बाई टी वी। नेक्स्ट है भीड़ भ्रष्टाचार का पुतला जलाने जा रही है, द क्राउड इज़ गोइंग टू बर्न द एफ जी ऑफ करप्शन, एफ जी होता है पुतला। मैं बड़ा होने पर एक खिलाड़ी बनने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी अ प्लेयर वेन आई ग्रो अप। हमारी टीम मैच हारने जा रही है,
आवर टीम इज़ गोइंग टू लूज़ द मैच. आवर टीम इज़ गोइंग टू लूज़ द मैच. मैं कुछ सब्जी के बीज खरीद लाया हूँ. मैं बगीचे में इन्हें लगाने जा रहा हूँ. तो आई हैव बॉट सम वेजिटेबल सीड्स. आई एम गोइंग टू प्लांट देम इन द गार्डन. जल्दी करो, सूर्य छिपने जा रहा है. तो जल्दी करो कि हरी अप, द सन इज़ गोइंग टू सेट. तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जिनमें गोइंग टू का प्रयोग किया गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.